दैनिक सवेरा अंधेरे से उजाले की ओर। पंजाब सरकार की ओर से बाढ़ संभावित खतरों से निपटने के लिए सारे प्रबंध मुकम्मल कर लिए गए हैं। दरिया सतलुज, ब्यास और रावी सहित अन्य स्थानों को मजबूत करने व शहरों में मौजूद ड्रेनों की सफाई के लिए 140 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। उक्त जानकारी पंजाब सरकार के मुख्य सचिव सर्वेश कौशल ने बाढ़ से बचाव संबंधी किए गए प्रबंधों का जायजा लेने के लिए 13 जिलों के डिप्टी कमिश्नरों के साथ की गई बैठक के दौरान दी। इस दौरान उन्होंने अलग अलग जिलों के जिलाधीशों को आदेश जारी किए कि वे दरियाओं के आसपास के संवेदनशील स्थानों पर चौकसी बरतें और उनकी मजबूती पर गहनता से ध्यान दें। इस अवसर पर डिप्टी कमिश्नर कमल किशोर यादव, रजत अग्रवाल, डिप्टी कमिश्नर लुधियाना पीएस गिल, डिप्टी कमिश्नर मोगा सुखविंदर सिंह, डिप्टी कमिश्नर पठानकोट बीएस धारीवाल, डीसी तरनतारन आनंदिता मिश्रा, डीसी होशियारपुर डॉक्टर अभिनव त्रिखा, रविंदर सिंह सहित पंजाब और नहरी विभाग के कई उच्च अधिकारी भी मौजूद थे।